तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने अपने खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई के बाद ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने दर्शनिक अंदाज में अपनी भावनाओं का इजहार किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने इमोजी भी शेयर किया है और अंग्रेजी में लिखा है, आपको हमेशा अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं होती। इस समय इसके बारे में बताएगा। साथ में उन्होंने लिखा है, मैंने अपनी पूरी क्षमता और दिल से देश के लोगों की सेवा करने की शपथ ली है। गौरतलब है कि आयकर विभाग की टीम ने सोनू सूद के मुंबई स्थित घर और ऑफिस पहुंची थी और वहां तलाशी ली थी। आईटी विभाग सोनू के 6 परिसरों पर यह कार्रवाई की थी। पंजाब कांग्रेस की सियासी हलचल के बीच दलित नेता चरणजीत सिंह ने चन्नी में सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चन्नी के शपथ ग्रहण समारोह के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। चन्नी के अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओम प्रकाश सोनी को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत, पीसीसी के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू समेत अन्य अमरिंदर सरकार के मंत्री और कांग्रेस के विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। चन्नी दलित सिख समुदाय से आते हैं और अमरिंदर सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। वह पंजाब के पहले दलित नेता है जो राज्य के मुख्यमंत्री बने। कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले चन्नी को सीएम बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पश्चिम बंगाल में हो रही बारिश की वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से पश्चिम बंगाल में मेदिनीपुरा जिले में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। पूर्व मिदनापुर के घाटाला में शिलावती नदी के पानी का स्तर बढ़ गया है। इससे स्थानीय गांव वालों की भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बीते शुक्रवार को भी सुबह से कोलकाता समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश जारी थी। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को बंगाल से सटे बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात बन सकता है। अलीपुर मौसम विभाग का कहना है कि इससे 2 दिनों के बाद बंगाल में और भी बारिश हो सकती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक लगातार बारिश से पश्चिम मेदिनीपुर के कई इलाकों में पानी भर गया है। ऐसे में एक दुकानदार ने बताया कि मेरी दुकान पूरी तरह से जलमग्न हो गई है और मेरा सारा सामान नष्ट हो गया है। कुछ दिन पहले बाढ़ के कारण मुझे काफ़ी नुकसान हुआ था। देश में कोरोना वायरस के मामलों में सोमवार को कमी देखी गई। पिछले 24 घंटों में 30,256 नए मामले दर्ज किए गए, जो कि कल रिपोर्ट हुए मामलों की तुलना में 1.6% कम है। रविवार को 30,773 मामले दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटों में 295 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक 4,45,133 लोगों की वायरस की वजह से जान जा चुकी है। रोजाना सबसे ज्यादा मामले केरल में से आ रहे हैं। केरल में 24 घंटों में 19,653 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इस दौरान 152 लोगों की मौत हुई है। टीकाकरण पर गौर किया जाए तो देशव्यापी वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक कुल 80.85 करोड़ डोज लोगों को दी गई है। इनमें से 37,78,296 खुराक पिछले 24 घंटों में दिए गए हैं।